नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कलर टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। सोमवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में चार आतंकी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों की फायरिंग में पांच लोगों के भी मारे जाने की खबर है। महामारी संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच जिले के प्रमुखों को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही गई है। देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार साइकिल पर विरोध करने निकले। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस सख्त तेवर अख्तियार किए हुए है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं और एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चीन मामले पर मोदी सरकार के बचाव और राहुल गांधी को ही आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि चीन ही नहीं बल्कि मोदी सरकार को कांग्रेस जब जब घेरने की कोशिश करती है तब तब शरद पवार हर बार पीएम मोदी के रक्षा कवच बनकर सामने खड़े नजर आए हैं। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली भी महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले ही उनके गनमैन संक्रमित पाए गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि गनमैन के संक्रमित होने के बाद भी महमूद ने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया था और कई पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आज महामारी संकट को लेकर पंजाब के सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से लाइव हुए जहां उन्होंने महामारी को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि पंजाब में टेस्टिंग देश के मुकाबले काफी बढ़िया तरीके से की गई है। सीएम ने कहा कि पंजाब में महामारी के मामले 5216 हैं। महामारी पर रोक लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महामारी काल में मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आज जालंधर में महामारी के 8 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने से विभाग में हड़कंप मच गया है। ये सभी मरीज अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। आज तरनतारण में एक ही परिवार सहित 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक साथ नए मामले के आने से विभाग के हाथ पैर फूल गए। वहीं इलाके में भी डर का माहौल देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में एलएन जेपी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर असीम गुप्ता के संक्रमण से मौत हो गई। डॉक्टर गुप्ता की मौत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि एलएनजेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर असीम गुप्ता ने महामारी से दम तोड़ दिया। वह अपने मरीजों की सेवा करने के लिए हरदम ही तत्पर थे। हमने एक बहुत मूल्यवान सेनानी को खो दिया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के कुंडली क्षेत्र में टिकटॉक स्टार शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुंडली के ही रहने वाले आरिफ पर लगा है। आरोपी शिवानी के शव को सैलून में रखे बेड में डालकर फरार हो गया। पुलिस ने आरिफ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में जहां सूबे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई तो वहीं अगले 2 दिन तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अलर्ट तो खत्म हो गया है लेकिन अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में मॉनसून एक्टिव रहेगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कलर टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।